नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीईओ मेटास ओवरसीज लिमिटेड। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लाइव वेबिनार में। फ्रेंड्स, हम में से हर व्यक्ति अपनी लाइफ में अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है, हर अचीवमेंट को पाना चाहता है, लेकिन पाने की इस चाहत में कहीं ना कहीं वो इतना व्यस्त हो जाता है कि वो अपनी फिटनेस के बारे में ध्यान देना भूल जाता है, या उसको ऐसा लगता है कि फिटनेस तो ठीक है, लाइफ का एक पार्ट है, ये भी हम करेंगे, लेकिन समय की व्यस्तता के कारण वो अपनी लाइफ में ऐसा समय नहीं निकाल पाता। तो आज हमारे साथ में हैं संग्राम सिंह जी, जिनसे हम जानेंगे उनकी फिटनेस के राज के बारे में। और दोस्तों, आपको एक बेहतरीन बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। संग्राम सिंह जी भारत के एक रेसलर हैं, बहुत ही फेमस एंटरप्रेन्योर हैं, साथ ही साथ वो समाज में हमेशा लोगों की मदद करते हैं, हर तरह से देश के लिए समर्पित रहते हैं और जरूरतमंद लोगों के लिए हमेशा हृदय की गहराइयों से उनके साथ रहते हैं। तो संग्राम सिंह सर, आपका सबसे पहले मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं सर। वेलकम टू द शो। 9 दिन 9 रत्न, और आप ना केवल मेरे लिए 9 रत्न है बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐसे बहुमूल्य रत्न है जिसने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। थैंक यू अमित जी, थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, आपके शो में इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू सर। हाँ, थोड़ा सा माफी चाहूंगा कि थोड़ा ट्रेवलिंग रहती है काफी, तो टाइम हमारा ऊपर नीचे हो गया। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने व्यस्तम शेड्यूल में से आपने लोगों के लिए समय निकाला और देश में लोगों को स्वस्थ बनाने का जो आपने मिशन चलाया है, आप फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब वीडियोज के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, शोज के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि आपको स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। सर, इस बात को जानने से पहले ना, सबसे पहले हम आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो बचपन से क्या इसी तरह से रही है, जहां पर आपको सारी सुविधाएं मिली हैं, या आप फिटनेस की तरफ हमेशा अग्रसर रहे हैं, क्या चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं और कैसे आपने उस अचीवमेंट को हासिल किया और कैसे एक इंटरनेशनल लेवल पर आप एक रेसलर बने और बाद में एक सेलिब्रिटी के रूप में उभर कर पूरे विश्व में अपना अपने परचम लहराया। ओवर टू यू सर। थैंक यू जी। देखिए, मेरी लाइफ के बारे में तो ढेर सारे चैनल ने बताया है, मैंने भी आपके साथ एक बार इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने लाइफ के बारे में बताया था कि हम तो बहुत हम्बल फैमिली से आए हैं, वहां से आए हैं जहाँ पे पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था, या एक सर्दी में हमें ट्रैक सूट पता ही नहीं होता था कि ट्रैक सूट क्या होता था, कैसे सेंडो बनियान रहती थी, पैदल जाना पड़ता था, और बाकी के साथ तो नॉर्मल है, मेरे साथ तो थोड़ी सी दिक्कत थी क्योंकि मैं रूमेटिक अर्थराइटिस पेशेंट भी था, और वो रूमेटिक अर्थराइटिस इतना खतरनाक था कि मैं ढंग से चल नहीं पाता था, ढंग से बोल नहीं पाता था, ढंग से चीजें नहीं कर पाता था। और जहां से मैं आया हूँ वहां पे रेसलिंग बड़ा स्पोर्ट्स है जी, मतलब रेसलिंग बड़ा स्पोर्ट है। तो मैंने एक बार ऐसे ही गांव में कुश्ती देखी मिट्टी की, जिसमें पहलवानों को थोड़ा दूध मिल रहा, घी मिल रहा, पैसे मिल रहे और थोड़ी इज्जत मिल रही, तो मैंने सोचा काश यार मैं भी पहलवान होता। तो मगर फिर वो गांव में दंगल था, तो फिर वो था नहीं, मेरे जो बड़े भाई साहब हैं वो स्टेट लेवल के रेसलर थे, वो अब वो हरियाणा गवर्नमेंट में टीचर हैं, वो गांव में अखाड़े में करवाते हैं, बच्चों को कुश्ती करवाते सिखाते हैं काफी। तो मुझे जुनून जगा, तो सब ऐसे ही मजाक करते थे, जो कहते हैं ना लाइफ में आई एम देयर फॉर यू, वो सबसे ज्यादा आपको कम्बल वही खींचता है जो पास होता है। तो फिर धीरे धीरे ढेर सारे चैलेंजेस फेस किए, ढेर सारे, क्योंकि मैं बताने लगूंगा 3 दिन हो जाएंगे यहाँ पे मैं। तो धीरे धीरे फिर स्टार्ट किया जर्नी, कई अखाड़े में जाते वहां पे सब हंसी करते, कहीं भी जाते सब हंसी करते जी। तो कहते हैं ना कि जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे तो समझ लो आपका सपना छोटा है, और योर आई कैन इज मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर योर आई क्यू जी। तो मेरे में क्या है कि मैं आई कैन वाला हूँ, आई क्यू वाला नहीं हूँ मैं, मतलब बाकी क्या होता है कि बाकी सीख जाते हैं उसको एक दिन में, 1 घंटे में, 2 दिन में, मैं उसको गधे की तरह 4 दिन में सीखता था हार्ड वर्क कर करके। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हार्ड वर्क है ना हमेशा टैलेंट को बीट करता है, पहले से आज तक देख लो, आप चाहे कोई रिकॉर्ड उठा के देख लो। तो लाइफ में मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन है ना वो रिजेक्शन है। मैं रेसलिंग में आ रिजेक्ट किया गया, मैं फिर मोटिवेशनल स्पीच में आ रिजेक्ट किया गया, मैं फिर टीवी शो में आ रिजेक्ट किया गया, मैं फिर फिल्मों में आ रिजेक्ट किया गया, जो भी, और वो मैं वही चीज कर रहा हूँ जिस चीज के लिए मैं रिजेक्ट किया गया था, क्योंकि क्या है कि करने का उसी को मजा है जिसमें सब आपके, मतलब कहते हैं ना कि जीतने का मजा तब है जब आप सब आपकी हार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वो ढेर सारा
फिजिकली लड़ा, फाइनेंशली, मेंटली, हर चीज से लड़के आया। तो जैसे आजकल के बच्चे, आज तो रेस्टिंग में सुविधाएं हैं, आजकल आप मेडल जीतो तो आपको 3-4 करोड़ तो एक स्टेट दे देता है कॉमनवेल्थ पे, इन सब पे। उस टाइम पे तो एक बार मुझे आज भी याद है, 2005 में सीनियर वर्ल्ड रेसिंग चैंपियनशिप हो रही थी हंगरी बुडापेस्ट में, और उसमें सिलेक्शन हो गया। उसकी वीजा फीस थी 4,500 रुपये, 4,500 रुपये। तो फेडरेशन उस टाइम टूट रही थी, तो मैं सुबह से शाम तक ही सोच रहा था कि यार ये वीजा फी मैं किससे लूंगा, मैं कभी आपके पास जा रहा हूँ, कभी दूसरे के पास जा रहा हूँ, कभी तीसरे के पास जा रहा हूँ, मतलब वो कर रहा था। आजकल तो सब कुछ है, और हमारा टारगेट है पता क्या होता था, ये इनका कि कोई मेडल जीत के आना क्या करना, हमारा टारगेट ये सिर्फ ये था कि भैया शरीर अच्छा हो जाए और एक बार इंटरनेशनल हो जाए बस, फिर नौकरी मिल जाएगी, सबसे बड़ी बात है। और अपने इंडिया में टैलेंट वही होता था कि नौकरी मिल जाएगी, फिर बहन की शादी, भाई की पढ़ाई, 60-70% टैलेंट यहाँ चला गया, फिर ये जाएगा वो रहेगा, 10% वहां चला गया, फिर कुछ पॉलिटिक्स, फिर कोई कद का बस्ता पर मेडल आ जाते थे। मगर आजकल क्या है कि आजकल सब कुछ चेंज हो गया है, हमारे पास वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं। अच्छी बात है, मैं बच्चों के लिए फील करता हूं कि आपसे कोई करना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि मैंने वो टाइम देखा है कि मेरे पास सुबह खाना नहीं होता था, मैं 50 रुपए के लिए 102 बुखार में कुश्ती लड़ता था, मिट्टी कुश्ती, 50 रुपए के लिए, 25 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए। तो फिर वो देख के आए, सारी चीजें देखी, तो फिर परमात्मा ने, मालिक ने मौका दिया हर जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह जाके कोशिश कर करके। और पहले ना सब मजाक उड़ाते थे, और मैं आज सबको कह रहा हूँ कि भैया जब तक जिस पे जमाना आस्था है, इतिहास वही रास्ता, और इतिहास हमारे जैसे पागलों में से कोई रास्ता है। देखो दुनिया में 3 तरह के इंसान होते हैं। पहले इंसान क्या होते हैं कि जो जिंदगी में आते कोई रिस्क लेते नहीं, बड़े ऐसे पंथन के रहते नॉर्मली, फिर लास्ट में जब जाते हैं ना सोचते काश यार मैंने वो कर लिया होता जी, काश के जीवन में जुड़ा रहता है, काश में जुड़ा रहता को पूरा करता जी। और सेकंड टाइम के जो इंसान होते हैं ना वो थोड़ा सा रिस्क लेते लाइफ में, फिर सोचते हैं चलो यार ये तो मैंने किया, मतलब वो 50-50 जाते हैं। और थर्ड टाइप के होते हैं ना वो पागल होते हैं हमारे जैसे, उनको ना फिर लोग बैठ के, उनको लोग है ना बैठ के बाद में पढ़ते कि भैया ये था ये कर गया, ये था ये कर गया। देखो याद रखो, मैं खुद कहता हूँ कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, मगर एजुकेशन वैल्यूज की होनी चाहिए, सही चीज की एजुकेशन होनी चाहिए। किताब तो खाली रसीद है, मैं आजकल बताऊंगा अभी आपको मौका मिलता है, मैं हर जगह युवा से मिलता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ। तो जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, जो ज्यादा दिमाग वाले होते हैं, वो है ना रिस्क नहीं लेते। और लाइफ जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क पता है क्या है, रिस्क ना लेना। जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। अब मेरे जैसे पागल पता है क्या होता है, कंफर्ट जोन आता मैं छोड़ देता हूँ, चलो भैया चलेंगे, क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होगे, आप गिरोगे नहीं, उठोगे नहीं, तो उसका सक्सेस का मतलब क्या पता होगा जिंदगी में फेल होना। मैं सबको एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बार हमने लास्ट टाइम इंटरव्यू जब किया था तो आपने एक बहुत प्यारी बात बताई थी, आपने ये बताया था कि जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम है ना वो भी कई बार ऐसे डिसीजन नहीं ले पाते, वो भी कभी कई बार ऐसा नहीं सोच पाते कि भाई उनको अपनी लाइफ में बड़े अचीवमेंट्स करने हैं। मतलब शारीरिक रूप से सक्षम है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन वो भी कभी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का नहीं सोचते, अपनी फिजिक को डेवलप करने का नहीं सोचते। पर आप एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त थे जिसमें आपकी शारीरिक क्षमताएं नहीं थी, लेकिन उस समय पर आपकी माँ ने, जो हमारी माँ सब सभी की माँ, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं, आपको एक मॉरल सपोर्ट दिया, आपको एक मोटिवेशनल सपोर्ट दिया, आपको वो प्रॉपर एक्सरसाइज कराया करती थी, आपको वो प्रॉपर आपकी मालिश किया करती थी ताकि आप और अच्छे मजबूत बने और एक विल पावर आपकी मजबूत बने। मेरी 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 मदर पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर मुझे आज भी याद है एक बार डॉक्टर ने बोला था, ऐसे शहर में लेके गए कोई घर वाले बड़ी मुश्किल से पैसे मांग मांग के, तो एक डॉक्टर कह रहा था कि भैया बच्चा मुश्किल से 6 महीने साल जिंदा रहेगा, इस पे वो खर्च मत करो, क्योंकि और मेडिकल साइड क्या होता है कि गठियाबाज इसको बोलते हैं, वो हर ज्वाइंट में आ गया था, मैं अपने मुंह मतलब अपने आप से अपना मुंह धो सकता था। तो मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी, वो दिन में मुझे डॉक्टर कहते इस बीमारी मसाज मत करो। मेरी माँ मुझे कभी तिल के तेल से, कभी सरसों के तेल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक ऑयल से दिन में 15-15 बार मसाज करते थे। तो मैं तो जो कुछ हूँ मेरी माँ की बदौलत ही हूँ। तो फिर पता है दिक्कत क्या है कि हम है ना लाइफ में, जैसे हम जहां से आए हमें घर वाले पीटते थे, फिर पड़ोसी पीटते थे, फिर स्कूल में टीचर पीटते थे, फिर घर वाले पीटते थे, और हमें आज तक ये नहीं पता कि स्ट्रेस क्या है, एंग्जाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है। अब आजकल के बच्चों कुछ बोल देते हैं ना तो कहते हैं कि ये यार इसके ये हो गया। मैं मेरी बहन के लड़के की बात बता रहा हूँ, उसके 95% मार्क्स आ गए, वो बोला मैंने कह रहे क्या हालचाल है, क्या कुछ एक्सरसाइज कर लिया अगर भाई, घूम फिर लिया अगर, बोला मामा मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ। मैंने क्या हुआ, बोला 95% आए रहे, मैंने नालायक तेरे उसमें तो हम 3 पास होते थे। बिल्कुल,
मेरे को बिल्कुल अच्छे से ध्यान है, मतलब आज से 20 साल पहले जब हमारे 60% आए थे ना, 63%, तो समझ लो एक घी के दिए जलाते हैं, जैसे भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या से वापस आए हों, अयोध्या वापस आए हों, जैसे घी के दिए जलाते हैं, ऐसे सेलिब्रेशन किया जा रहा था। और आज जब किसी को बताते ना हमारे 63% पर हमने अपनी क्लास में टॉप किया था, तो बड़ा आश्चर्य होता है बच्चों को। यहाँ कॉम्पिटिशन 98, 99, 100 जाके कॉम्पिटिशन पहुंच रहा है, तो बच्चे बड़ा मतलब उसको एक माइंड पर प्रेशर भी लेते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई जो परसेंटेज है ना वही हमारा करियर डिसाइड करेगी, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। आप जैसे रोल मॉडल, आप जैसे माइलस्टोन जब उनको गाइड करते हैं ना, तो उनको पता लगता है कि यस, जीवन में खाली एजुकेशन में मार्क्स लर्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट हमें हमारे जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर सफल होना है। तो बहुत अच्छा मैसेज आपने यहाँ पर दिया, मैं एक टेक अवे आप लोगों को देना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी सर ने हमें बताया कि आप अगर कहीं भी किसी भी समस्या में है ना, तो आप ये ना सोचें कि आप कहाँ पर हैं, आप हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में सोचें कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, मैंने जी बिल्कुल, आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, वो है कोशिश जी। और मैं हमेशा की बात बोलूंगा कि भैया सर्कस के शेर से अच्छा है जंगल का खुला हुआ कुत्ता। क्या है, सर्कस का शेर तो है, वो शेर है, सब कुछ है, खाएगा उसे करेगा, मगर वो शिकार करना भूल जाता है। तो मैं कह रहा हूँ जिंदगी है ना, जिंदगी, अब जहाज सेफ कहाँ है, एक जहाज होगा वो सेफ है किनारे पे, मगर वो चल बना किसके लिए, बड़े बड़े तूफानों में समुन्द्र में चलने के लिए। बिल्कुल, तो सेफ तो किनारे पे है, अब हम घर बैठे रहेंगे सेफ ही है, मगर जिंदगी किसके लिए बनी, जिंदगी का अपॉर्चुनिटी है खुद को पाने की, खुद को सोचने की, आगे बढ़ने की, दुनिया को आगे बढ़ाने की, साथ लेने की, जाने की। वो कहते हैं ना कि बटरफ्लाई मुश्किल से 2 से 7 दिन जिंदा रहता है, उसमें कितनी बार वो चमक देता है, कितने हम खुश होते हैं देख के। तो लाइफ भी वही है, बहुत से क्या करते हैं कि वो अपने आप को ढूंढते नहीं, दुनिया को ढूंढते रहते हैं। देखो ये संसार तब बदलता है जब आप खुद अपने आप को बदल लोगे। जो यंगस्टर में उनके लिए कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी हार मत मानो। क्या है कि लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है, कि वो कहते हैं ना कि 100 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है कि स्वामी विवेकानंद जी की तरह 37 साल की जिंदगी जी के जाओ। तो यंगस्टर में तो मैं यही कह रहा हूं कि देखो आप दुनिया की केयर मत करो। देखो दुनिया वाले क्या है कि वो क्या करेंगे कि जब आप सक्सेस हो गए तो उनकी राय बदल जाएगी। वो कहते हैं ना कि तू चाहे सामने हीरा है, मगर दुनिया वाले तो अपने हिसाब से आप कीमत लगाएंगे ना। अगर आप हीरे भी हो तो कोई सब्जी वाला सब्जी के भाव लगाएगा, कोई जो कबाड़ी लोहे वाला लोहे के भाव लगाएगा, कोई जो ज्वेलरी वाला ज्वेलरी के भाव लगाएगा, कोई डायमंड मर्चेंट है उसके भाव लगाएगा। तो क्या है कि सबकी अपनी अपनी राय हो जाती है। और कहते हैं ना कि आप अपने फोकस रहो। मैं नहीं कहूंगा कि किसी का हुआ, जिंदगी में दो ही काम रखो, जब तक आपको अपने लक्ष्य नहीं पाते बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, और जब लक्ष्य पा जाओ ना फिर लोगों की मदद करो, जो जरूरतमंद है उनकी मदद करो, जरिया बनो उनका, करने वाला तो परमात्मा है, वी आर जस्ट मीडियम। तो मैंने भी अपनी जर्नी यही सोची यही देखी। अब क्या है कि मुझे मजा आता है नए पंगे लेने में, जब मेरी लाइफ में है ना चैलेंजेस होते हैं, जब मैं लाइफ में कंफर्टेबल जोन में आ जाता हूँ ना, तो मैं एक दिन रहता हूँ, फिर उस दिन मैं ना ढंग से सोता हूँ, ना ढंग से करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि भैया नहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा, सही नहीं चल रहा, तो फिर वहां से सारी चीज छोड़ के खड़ा होके फिर कोई नई चीज वो करता हूँ। देखो एक टाइम था कि मैंने इंग्लिश भी अभी तक ढंग से सीखी नहीं है, मगर मैं IIT IIM जाता हूँ, हार्वर्ड तक जाता हूँ, मतलब समझ रहे हो ना जी, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। तो अब मैं बाहर जाके वो करता हूँ, एक बार हार्वर्ड के कोविड के कारण तो जा नहीं पाया मैं नॉर्मली था, एक बार मलेशिया चला गया, मुझे आज भी याद है कि उन बच्चों का मुझे गुड मॉर्निंग समझ में नहीं आ रहा था, मुझे वहां पे स्पीच देना था जी। अब बच्चे कितने एडवांस थे, तो उसके बावजूद क्या है कि कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से, इन सब से मैंने वो चीजें कंप्लीट की, उन चीजों के उसमें, क्योंकि मैं क्या है कि मैं सबको यही बोलता हूँ कि सेल्फ बिलीव इज द की ऑफ सक्सेस जी। आप जो भी करो अच्छा करो, और लाइफ की सबसे बड़ी ताकत पता किस चीज में है, सबसे जो हमारी ताकत है, सबसे बड़ी चीज है, वो है गलतियां। गलतियां करो तभी तो सीखोगे ना, तभी तो आगे बढ़ोगे ना। जिसने गलती नहीं की उसने लाइफ में कुछ किया ही नहीं, नॉर्मली बैठे हैं, गलती होगी नहीं। तो क्या है, और एक कभी हार मत मानो। कहते हैं कई बार एक आखिरी चाबी ताला खोल देती है, लगे रहो लाइफ में। मैंने भी थ्रू आउट, मैं तो आज भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज भी मैं जीरो पे खड़ा हूँ, और मेरा ये मानना है कि 2 रोटी खाने जा 3-5 करोड़ 2 से 1 पे आ जाएंगे। जैसे मैं अब एक कैंपेनिंग लेके आ रहा हूँ मेंटल हेल्थ के ऊपर, जीतेंगे हम विद संग्राम सिंह, तो मैं उसको लॉन्च करूंगा। मैं 1000 बच्चों से मिला, और 11 बच्चे तो मैंने ऐसे ठीक किए हैं जो बिल्कुल सुसाइड के करीब थे, जिसमें से बड़े बड़े मतलब उद्योगपतियों के, इन सब के
जिसमें से पांच छह लड़के थे और पांच लड़कियां थी, छह लड़के थे। तो वो बिल्कुल, एक लड़की तो ऐसी थी कि अगर मान लो उसको कोई सामने से जैसे चाकू मारेगा तो वो सब है। दूसरा मैं सबसे कहना चाहूंगा कि यहां भी बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि भैया ये हम है ना समाज को देख के, हमारे माता पिता ना सोच डिफरेंट पैदा कर दी है। अब मैं एक औरत से मिला, मैंने एक स्पीच में और बोला था, तो उस लेडी ने बोला, मैंने कहा और माता जी कैसे हो सब, वो तीन बच्चे थे उसके, उसके पैर दबा रहा था, बोली कि मेरा बड़ा बेटा है ना अमेरिका में, बड़ी जॉब करता है, वो बहुत बहुत मतलब काबिल है। मैंने कहा अच्छी बात है। मैं दूसरा बेटा बोले, दूसरा बेटा दुबई में चला गया, वो इंजीनियर है, वो भी बहुत काबिल है, अच्छी बात है। तो तीसरा बेटा बोले नालायक ये है। मैंने कहा अच्छा, जो आपके पैर दबा रहा है, जो आपको रोटी दे रहा है खाने को, नालायक है, और जो आपको यूज करके भाग गए एज ए डस्टबिन, वो लायक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम किसके लिए दिखाते हैं। अब मेरे टावर में जिसमें मैं रहता हूँ, मैंने पहले ही बोला है कोविड आ गया, कोई था नहीं, और एक दो हैं दंपति थे जो एक 2,000 करोड़ के मतलब उनके पास वर्थ है, एक बच्चा स्विट्जरलैंड में, एक बच्चा अमेरिका में, उन्हें कोई खाना देने वाला नहीं था, मैं अपनी डोमेस्टिक हेल्प पे खाना बनवाता था और मैं खुद देख के आता था, क्योंकि वो डोमेस्टिक हेल्प वाले भी वो हैं कि कोविड ना हो जाए उनको, मैं उन्हें खाना खिलाता था कि भैया होगा तो देखी जाएगी, किसी की जान तो जा रही है। तो जब वो दिखा ना कि लास्ट स्टेज आ गया उसका, मैंने उसके लड़के को फोन किया, 3 दिन फोन ट्राई करता रहा, मैं फोन मिला जी। तो वो पट्टा पता क्या बात कर रहा कि मैंने कहा भैया आपकी माता जी है ना आखिरी समय पे है और वैसे आखिरी सांस पे, आप आ जाइए मिल लीजिए उनसे, पता नहीं वो चले जा सकती। वो पट्टा कह रहा है 30 डेज प्राय कमिटमेंट, कि मतलब 30 दिन के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, ऐसे ही अमेरिका वाला। तो मैंने उनको बोला कि भाई हम किसके लिए दिखावा करते कि मेरा बेटा करोड़ों का पैकेज ले रहा है, अरबों का ले रहा है, ये सब कर रहा है, किसके लिए। मैं ये तो बोलता हूँ कि भैया आपका बेटा आपके साथ बैठे खाना खा रहा है और 5,000 रुपए कमा रहा है ना, वो अरबों से ज्यादा अचीवमेंट है, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जो भी समाज के लिए अच्छा करता है वो हीरो है। और कहते हैं कि मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान। तो भैया अगर आपने देश को आगे लेके जाना तो हमें कोशिश करनी है कि अच्छा सोचना है, बेहतर करना है। अब मेरे जैसा इंसान तो पागल है, वो ना पैसे को तवज्जो देता ना किसी चीज को तवज्जो देता। मैं तवज्जो देता हूँ कि भैया मेरे लिए तो प्राइम मिनिस्टर है या सुपरस्टार रिक्शा वाला सब बराबर है, सेल्फलेस सोचता हूँ। क्योंकि क्या है कि देश किससे बनता है, देश सरकार से थोड़ी बनता है। आपके हिस्से काम आपने कर लिया, मेरे हिस्से काम मैंने कर लिया, तो हमारे लिए देश बनना स्टार्ट हो गया जी। तो मेरा आपसे प्रश्न है सर, आज के युवा साथियों को 5 ऐसे की पॉइंट आप क्या देना चाहते हैं जिनसे वो अपने जीवन में हर सफलता को हासिल करें, ऐसे 5 की पॉइंट। देखिए पहला तो जो मैं उनको पॉइंट देना चाहूंगा कि भैया किसी चीज में विश्वास मत करो, किसी चीज में विश्वास मत करो, सिर्फ विश्वास करो अपने हार्ड वर्क में। दूसरा मैं देना चाहूंगा कि भैया, दूसरा मैं पॉइंट देना चाहूंगा कि भैया भगवान जी परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में नहीं है, वो आपके माता पिता के चरणों में है, आपके गुरु के चरणों में है, आपके सीनियर्स में है, उनके पर चरण छोड़ो, उनका सब कुछ कर लो, ढोंग दिखावा मत करो, आडंबर मत करो। कोई कहते हैं ना कि वो अंगूठी पहना दो कि भाई वो हो गया, वो सनी आ गया, वो दूसरा आ गया, भैया माफ करो यार। कहाँ कि भूत कौन होता, जो बीत गया वो पहले ही परेशान था, अब कहाँ से आएगा। तो क्या है कि अपना कट टू कट अपने पेरेंट्स की इज्जत करो। तीसरा मैं बता रहा हूं कि अपने में विश्वास करो, जो भी आप चीज कर रहे हो, आप अच्छा करो या गलत करो, देखो दुनिया में दो ही लोग जाने जाते हैं, एक तो बहुत अच्छा और एक बहुत खराब, बीच वालों को ना इधर ना उधर। तो ये आपके ऊपर है कि आपको अच्छा बनना है या बहुत खराब बनना है। जो खराब बनते हो भी क्वालिटी होती है। सद्दाम हुसैन साहब के दुनिया से कुछ कहती रही, मगर आज भी सद्दाम हुसैन साहब के मौका मिल गया मुझे इराक जाने में, उसकी क्योंकि इतने फैन है अच्छे ज्यादा जो उन्होंने कुछ भी किया हो जी। तो क्या अपनी लाइफ में ना बीच में कभी मत रहो, या इधर या उधर। फिर मैं 14 पॉइंट दूंगा कि भैया जो सबसे अहम पॉइंट है, सबसे वो है अपने आंखों का देखा, उसको भी कई बार सिर्फ उस पर विश्वास करो, ना कानों की सुनी विश्वास करो, ना कुछ विश्वास करो, और सिर्फ है ना सिर्फ अपने दोस्त बन जाओ, ज्यादा दोस्त मत बनाओ। जिंदगी में ज्यादा दोस्त बना लेना आगे नहीं बढ़ पाओगे जी। वहां टाइम कभी यहाँ, टाइम कभी वहां, टाइम ऐसे देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा पॉइंट, अगर भैया आपने अपने आप को फिट नहीं रखा, स्वस्थ नहीं रखा, तो आप जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दोगे। एक ऐसे इंसान से मिलने का मौका, एक ऐसे इंसान को संवारने का मौका, एक ऐसे इंसान को आगे ले जाने का मौका खो दोगे जो आप कभी जिंदगी में मिलेगा नहीं। आप कितने उद्योगपति बन जाओ, कितने कुछ बन जाओ, आपका शरीर ठीक नहीं है ना तो आप जीरो पे हो, जीरो पे। मैं खुद कहता हूं कि उसका कोई महत्व ही नहीं है। और मैं हमेशा एक बात और बोल के जाता हूं कि भैया आप कितना ही प्रोटीन खा लो, कितना ही विटामिन खा लो, कितना मिनरल खा लो, अगर आपका ये सही है ना, ये सही है। सबसे ज्यादा दूरी है ना पृथ्वी से
आसमान की नहीं है, सबसे ज्यादा दूरी 11 इंच यहाँ से दिल से और दिमाग की जी। आप मैनेज कर लिया ना तो भैया कहीं भी चले जाओगे, इसलिए सूखी रोटी प्याज भी खाओ ना, खुश हो खाओ, घर का खाना खाओ। और बिग टिप लेके जा रहा हूँ, खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना चार गुना। तो क्या बात है, बहुत शानदार आपने बताया सर। और है ना यहाँ पर जी, और है ना दुनिया के मतलब दूसरों की मदद करो, जरिया बनो किसी का, अपना पेट तो चिड़िया का हुआ, चिड़ी सब भरते, कोशिश करो किसी का जरिया बन जाओ। मैं सर एक बात व्यूअर्स से, एक व्यूअर्स को एक बात और आपके जरिए बताना चाहता हूँ। आप निरंतर ना फिटनेस को लेकर बहुत सारे मुहिम चलाते हैं, बहुत सारे एक इस तरह के प्रोग्राम चलाते हैं, जो लोग आपके आसपास हैं वो आपसे आसानी से जुड़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दूर दराज के इलाके में बैठे हैं, वो किस तरह से आप तक पहुंच सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके फेसबुक पेज के बारे में, यूट्यूब के बारे में, और जो आप एक्टिविटीज चला रहे हैं और भविष्य में क्या क्या एक्टिविटीज आने वाली हैं, थोड़ा सा अगर उसको एलिबोरेट करेंगे तो समाज के बहुत सारे वर्ग के लोग आपसे जुड़ेंगे। अब मैंने एक नया वर्कआउट लेके आया हूँ, मैं सबको बताऊंगा कि भैया आप 3 फीट का चौड़ा एरिया और 6 फीट लंबा, उसमें एक मैट टॉवल के साथ में आप बिगिनिंग से लेके नेशनल लेवल का वर्कआउट घर बैठे कर सकते हो जी। और मेरे अनुसार 1000 रुपए बहुत है, 1000-1500 रुपए रोजी रोटी किससे मतलब जो खाना खाते हैं उसके अलावा एक महीने में आपको नेशनल लेवल का एथलीट बनने के लिए भी जी। तो आप है ना संग्राम सिंह अंडरस्कोर रेस्लर मेरा इंस्टाग्राम है, आप उस पर जुड़ सकते हैं जी। संग्राम सिंह ऑफिशियल मेरा संग्राम यू सिंह के नाम से फेसबुक पेज पर उस पर आप जुड़ सकते हैं जी। संग्राम अंडरस्कोर संजीत यानी संग्राम यू सिंह के नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट आप उस पर जुड़ सकते हैं और एक संग्राम सिंह ऑफिशियल टीम संग्राम सिंह यूट्यूब है उस पर मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ मगर उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। ये सब है यूट्यूब छोड़ के बाकी सब वेरीफाइड है, वहां पर कोई भी क्वेश्चन है आप उस पर जुड़ सकते हैं संग्राम सिंह ऑफिशियल @gmail.com पे आप मेल भी कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूँ, मेरी फैमिली में भी ना सब लोग आपको देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। मेरी बेटी बहुत हैवी वेट थी, हैवी मतलब बॉडी स्ट्रक्चर बहुत हैवी था, मेरी वाइफ और मेरी मदर उन सब ने आपको फॉलो किया, वो कहते देखो संग्राम जी ने इतनी मेहनत करके अपने आप को कामयाब बनाया है और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे हैं और उसके बाद भी ना उस सफलता को हासिल करने के बाद भी वो अपनी मेंटेनेंस पर बहुत ध्यान देते हैं, रेगुलर आपके वीडियोस देखते हैं, शायद बहुत सारे कॉमेंट्स भी आप पढ़ेंगे, रंजना माहेश्वरी, अमृत माहेश्वरी, प्रिया माहेश्वरी, आशा गुप्ता, इनके बहुत सारे कमेंट्स आपको आते हैं, शायद आपके टॉप फैंस में भी इनका नाम शुमार होता होगा। मगर मगर मगर, मगर अमित भाई मैं तो आपको देख के बहुत इंस्पायर हुआ, आपकी आपकी जर्नी मैंने बड़ी कमाल थी। आप भैया मुझे अगर फॉलो करो या ना करो आप इनकी जर्नी देखो जो इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को, बहुत कमेंडेबल है, बहुत मतलब मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल यू टर्न चेंज किया है। तो मैं आपकी जर्नी जो आपने मुझे दिखाई थी वो मैं आज तक याद करता हूँ कि देखिए बहुत इंसान है जो पैसा कमाते हैं, बहुत इंसान है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, कुछ इंसान है विरले इंसान है जो ये सब करके अपने आप को एक स्टेब्लिश करते हैं, अपने आप को एक ऐसा बनाते हैं कि ताकि युवाओं की तरफ देख सके और आप वो विरले इंसान है। तो मैं कह रहा हूँ कि कमाल की बात सिंगराम जी, मैंने किया तो मैंने अपने लिए किया, लेकिन आप जो देश के लिए, समाज के लिए, युवाओं के लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है मेरी लाइफ फिट हो जाएगी, लेकिन आपने जो देश के लिए किया, समाज के लिए किया, युवाओं को ट्रेन करने के लिए किया है, और आप इतनी सारी एक्सरसाइज, इतना सारा वर्कआउट, डाइट के बारे में, और आपने अभी एक बताया कि 1000 रुपए के बजट में कैसे एक एथलीट लेवल की ट्रेनिंग कर सकता है, जबकि सारे कोचेस से बात करो ना वो इतने सारे सप्लीमेंट्स बताएंगे, प्रोटीन बताएंगे, ये खाओ ये खाओ, वो कहते हैं 50,000 रुपए महीने का बजट ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत बढ़िया बताते हैं। खुद बताओ ना मेरी बात कि अगर डिब्बे खाने से कोई चैंपियन बनते तो बड़े बड़े उद्योगपति, इनके पास तो पैसे कमी है नहीं, इनके बेटे सारे ओलंपिक में आज खड़े होते, वो आपका मेरा नंबर कहाँ नहीं देते किसी का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया हार्ड वर्क के आगे सफलता जोड़ी खड़ी हो जाती है, आप अपनी मेहनत करो, बिलीव करो। देखो मैं अपनी जिंदगी में काफी चीज अचीव नहीं कर पाया क्योंकि लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ सर्कमस्टांसिस। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उन सब बच्चों का जरिया बनूं कि वो आगे जाए, देश का नाम रोशन करें, देश के साथ साथ अपना सपना पूरा हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि वो नहीं कर पाए तो उनके साथ हम जी लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। हमारे एक मित्र हैं संजय अमिस्ता जी, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, मैंने उनको आपके बारे में बताया कि मेरे अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे से परिचित हैं हम लोग, पारिवारिक मित्र हैं हम लोग, तो उन्होंने कहा वो आपको सम्मानित तो करना ही चाहते हैं प्लस दिल की गहराइयों से आपको इनवाइट करना चाहते हैं वो छात्रसाल स्टेडियम में, जबकि आप इंटरनेशनल स्टेडियम में जाते हैं, आप भारतवर्ष के जी, वो कह रहे थे हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात होगी क्योंकि छात्रसाल स्टेडियम का नाम ही रेसलिंग से चलता है और संग्राम सिंह जैसे लोग साथी जब हमारे साथ में खड़े होंगे तो एक तरह से वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे जी। संजय मिश्रा जी को मैं नमन करता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए, और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे वहां आने का मौका मिलेगा तो दिल्ली आऊंगा जरूर, पक्का मिलूंगा। एक स्पेशल रिक्वेस्ट मेरी तरफ से आपके लिए है,
कि सर जब भी आपका दिल्ली आना हो ना तो प्लीज एक बार हमें सेवा का मौका दें, अपना कुछ समय, बहुत कीमती समय में से अगर कुछ मिनट भी आप देंगे ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और छात्रहाल स्टेडियम में भी हम लोग मिलेंगे और आपका सम्मान। आप एक काम करना, आपकी बार भाभी जी की आधा खाना ले आना, साथ में खाएंगे बैठ। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल साथ में खाएंगे, लेके नहीं आऊंगा मैं, आपको इनवाइट करूंगा, हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मैं कोशिश करूंगा आने की, अगर 1% उधर रुका तो मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो 1% इधर उधर रहा तो आपको जरूर बुला के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी मिलने आएंगे आपसे। तो अभी थोड़ा सा टाइम की उससे माफी चाहूंगा, कल सुबह भी एक प्रोग्राम है, मगर इसके मैं पिछले 26-27 साल से मैं खाना तब खाता हूँ जो वर्कआउट कर लेता हूँ, चाहे रात के 12 चाहे 8 बजे चाहे 9 बजे या 1 बजे, सुबह शाम कोशिश करता हूँ कि वर्कआउट करूँ। तो आप सब से मैं कह रहा हूँ कि भैया आप सब भी बगैर वर्कआउट के खाना खाते हैं, बगैर से खाना खाते हैं तो उस खाने फायदा नहीं है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं, जब भी मेरे को लगता है ना कि ठीक है आज बहुत थक गया हूं, आज बहुत सारी मीटिंग्स की, आज वर्कआउट स्किप कर देता हूं, पता नहीं क्या ऐसा चांस होता है कि मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा होता हूं, आपका वीडियो आ जाता है, और जैसे ही आपका वीडियो देखते हैं दोबारा से उस पर क्लिक करते हैं, फिर वर्कआउट की पूरी जर्नी देखते हैं, फिर लगता है नहीं यार कोई बात नहीं, थकावट थोड़ी देर का एक ऑब्स्टेकल है, चलो दोबारा से एक्सरसाइज करते हैं और फिर अपने आप को फिट बनाने की कगार पर आगे चलते हैं। पता है मैं क्या करता हूं, मैं कहीं नहीं करता, जैसे मेरा मैं कहीं भी जाता हूं ना मैट मेरे उसमें रहता है बैग में, और आज मैं जैसे एक प्रोग्राम में चला गया तो आपको पता मैंने क्या किया, मैंने ड्राइवर साहब को बिठाया और उस गाड़ी पे ना धक्का मारा 1 किलोमीटर, मतलब जो तो कहीं भी कर लो, मतलब पहली बात है खुश रहो, आप खुश हो तो सारी चीजें, देखो पैसा वैसा कभी भी आएगा कभी भी चला जाएगा, पैसे कोई बड़ी चीज नहीं है। आप देखो पहले जो हमारे थे ना क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते थे, एक एक कमरे में हमारे बुआ भी आ गई, हम भी आ गए, गेस्ट भी आ गया, सब कुछ आ गया, खुश थे ना, आज सब अलग अलग रहे हैं मगर सब ऐसे ही है क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैं एक कमेंट आपको अपने एक व्यूवर का बताता हूँ जो इस समय लाइव हमें देख रहे हैं, उन्होंने अभी लिखा है कि संग्राम जी आप एक सीनियर एथलीट होने के बावजूद भी ना आपके चेहरे पर वो 24-25 साल के युवा जैसी चमक है। तो भैया पॉजिटिव रहो, हर रोज वर्कआउट करो और अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, वेजिटेरियन हूं मैं और मैं घर का बना हुआ खाना खाता हूँ और मैं हर रोज वर्कआउट करता हूँ। दूसरी बात क्या है, किसी ने कुछ बोला ना नेगेटिव बोला कुछ भी बोला तो मैं हंसता हूँ, मैंने कहा अच्छी बात है भैया, तो वो बात कर रहे थे कोई इतने 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 बड़े आदमी झूठ तो बोले कि उनकी गलती होगी सुधार करने की। तो क्या है कि मैं फोकस करता हूँ अच्छी चीजों पर और अच्छी चीजें फिर सारी हो जाती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कई साल फिर रेसलिंग करने की, प्रोफेशनल में वापसी करूंगा, प्रोफेशनल ठीक रहा फिर एमएचओर में आऊंगा, नहीं प्रोफेशनल जरूर करूंगा, काफी ऑफर आए हैं तो मैं अपनी फिटनेस को लेके आ रहा हूँ कि अब हार जीत के लिए नहीं कि मैं ढेर सारे यूथ को इंस्पायर कर पाऊँ कि वो ना जिस जहां पर लगे है ना, हम में से ना ज्यादातर युवक वहां करते हैं जब हम सफलता के बिल्कुल करीब होते हैं जी, और हमारे कोचिज हैं अब तो समझदार हो गए, वो समझाने वाले होते नहीं, या जो हमारे साथ के रेसलर होते हैं समझाते नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आप लगे रहोगे ना, लगे रहो, जब एक रस्सी पत्थर पर निशान कर सकते हैं तो इंसान है ना, लगे रहो, बिल्कुल जरूर होगा सर। तो इस जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं हम आपको देते हैं कि आप इस जर्नी में कामयाब जरूर होंगे, क्योंकि आपका एक दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प है और आप हमेशा अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करते हैं। तो दोस्तों आज हमने संग्राम सिंह सर का बहुत बहुत हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, बहुमूल्य समय के लिए, इतने व्यस्तम शेड्यूल में से भी कुछ समय हम लोगों के लिए निकालने के लिए और देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए। सर आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू।